अंडे वाला बर्गर। वो बारिश की दीवानी, मोतियों के फूलों की मस्तानी। हैप्पी बर्थडे तारा, आ गया आपका कवारा। अरे हटो। आंटी हमारी बॉल आई है आपके घर पे, तो मैं बॉल लेने आया था। बुके लेकर मैं उस लड़के को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तुम किसी और से शादी करके दिखाओ, तुम्हारे वार्ड में आके एडमिट हो जाऊंगा मैं। मेरे वार्ड में तो तुम किसी कीमत एडमिट नहीं हो सकते। वो क्यों? क्योंकि गायनी वार्ड है। चांद तारा यकुम रमजान उल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। रास्ता दिखा दे या खुदा। पिछली बातें भुला के इमरान भाई को माफ कर दे। अभी तक उस बेहस इंसान के बारे में सोच रही हूँ। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। माफीनामा जमा करा दिया मैंने, बहुत जल्द तुम अपने घर जा सकोगे। अंकल से बहुत डिटेल में बात हुई है मेरी। वो कह रहे थे कदर ने सब कुछ अपनी खुशी से किया है, बल्कि वो खुद गई थी जज के पास अपना माफीनामा जमा करवाने। अब बस हमें एक काम करना है, बासे की तरफ से कोर्ट में माफी की अपील करनी है, उसके बाद बासे रिहा हो जाएंगे। एहसान है जो उस मुश्किल वक्त में खबर नेमत है। मुझे लगता है वो लड़की जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान कर रही है। कैसा प्लान? हमारी मजबूरी का फायदा उठाने का। हाँ, वो दरअसल वासे को सजा दिलवाना ही नहीं चाहती थी। वो तो बस ये केस जीत कर हमें इतना मजबूर और लाचार कर देना चाहती थी जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, वाकई में मैं सच कह रहा हूं। मैं इस जैसे लालच भरी बेचारियों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। इंसान अंदर से जैसा होता है ना, उसे बाहर की दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। देखो दीला, मुझे तुम्हारी बात का शिकवा नहीं है। मैं बस तुम लोगों को होशियार करना चाहता था, क्योंकि ये लड़की वासे की जिंदगी की एक बहुत बड़ी कीमत लगाएगी। इसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं, और वो कीमत चाहे ये सारी प्रॉपर्टी या ये सारा बिजनेस ही क्यों ना हो, या हमारी जिंदगी की सारी आसाइशें। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी। अगली खबर हम्माद कत्ल केस के मुतालिक। हम्माद कत्ल केस में एक नया और गैर मुतवक्का मोड़। जी बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर्स की ताज़ा तरीन रिपोर्टिंग के मुताबिक मकतूल हम्माद की बेवा ने अदालत का फैसला अपने हक में आने के बावजूद इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट वासे अहमद को अपने मरहूम शोहर का कत्ल मुआफ़ कर दिया और वासे अहमद के नाम अदालत में अपना मुआफ़ीनामा जमा करवा दिया। मकतूल हम्माद की बेवा ने अदालत का फैसला अपने हक में आने के बावजूद इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट वासे अहमद को अपने मरहूम शोहर। मेरे 35 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी फैसला अपने हक में आने के बावजूद यूं सजा से चंद रोज पहले अपने मुद्दई को माफीनामा देकर अपना केस वापस ले ले। बहुत गैर यकीनी सी बात है, वासे की जिंदगी किसी मौजज़े से कम नहीं है।
अच्छा मुझे बताएं, बासे कितने दिनों में रिहा हो जाएगा? अब बस हम्माद की वालदा की माफीनामे का इंतजार है, जिसके लिए जज साहब ने उनको पहले ही नोटिस भिजवा दिया है। बस वो मिलते ही वासे एक दो रोज में घर आ जाएगा। अंकल थैंक यू सो मच, आपने इन मुश्किल दिनों में हमारा बहुत साथ दिया। पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हम्माद की बीवी ने माफीनामे की कीमत क्या लगाई है। कदर ने अपनी खुशी और मर्जी के साथ माफीनामा दिया है। और बयान में यह भी लिखवाया है कि वो ये माफीनामा वासी की बेटी अफशी की वजह से दे रही है। हाँ अलबत्ता अब हमें हम्माद की वालदा की माफीनामे का इंतजार है। देखते हैं वो अपने बेटे के खून का कसास कितना डिमांड करती है। देखिए उनकी जो भी डिमांड होगी मैं उसे अदा करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं चाहती हूँ मेरा भाई जल्द अज जल्द रिहा हो जाए। इंशाल्लाह। मेरी बच्ची बहुत खुददार है, कभी भी हम्माद के खून का सौदा नहीं करेगी। आपको तो बस मौका चाहिए अपनी बहू की तारीफों के कसीदे पढ़ने के लिए। जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ तो की जाएगी। अच्छा फिलहाल ना मेरा आपसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। हम्माद भाई का कत्ल बख्शने के कम से कम 10-15 करोड़ तो हम ले ही लेंगे। मेरे ख्याल है आप तमाम लोगों के आने का सबब तो मालूम हो ही गया होगा। जी 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 साहब। अच्छा आप मकतूल अम्माद अली की वालदा होने की हैसियत से मुझे ये बताइए कि आप वासे अहमद को अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में सजा दिलवाना चाहती हैं या आप भी मकतूल की बेवा के फैसले से मुत्तफिक हैं? मुझे कदर के फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं। अच्छा अब मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि आप वासे अहमद से अपने बेटे के खून का कसास तलब करना चाहेंगे? जी नहीं जज साहब। जिस तरह मेरी बहू ने बिना कसास के खून बख्शा है इसी तरह मैं भी अपने बेटे का खून अल्लाह की रजा के लिए बख्शती हूँ। अच्छा यानी ये आपका हतमी फैसला है? मेरा मतलब है कि किसी दबाव डर खौफ की वजह से तो नहीं कर रही ना आप?
मुझे सिवाय खौफ खुदा के और किसी का खौफ नहीं। ठीक, जिसमें आपकी खुशी। ये हमें कुछ सिग्नेचर चाहिए आपके, ये लीजिए प्लीज जरा। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। अजय साहब, ये माफीनामे पे मेरे दस्तखत रह गए। हाँ, और सज्जाद हमाद भाई के कसास की रकम लिए बगैर वासे अहमद को माफ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि आपके इल्म में ये बात नहीं है कि मकतूल की वालदा और बीवी के माफ कर देने के बाद वासे अहमद को किसी माफी की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे घर का कमाने वाला मार दिया, हम ऐसे मुफ्त में थोड़ी माफी देंगे इन्हें। आप लोगों को तो अहमद अली की बेवा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आप पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया, धोखा दही का। आपने तो उन्हें अमादली की जोजियत से बाहर निकालकर अदालत को गुमराह किया है। और आपको मालूम है इस जुर्म में आप तमाम लोगों को 5 साल कैद बामुशक्कत हो सकती थी। बर्बाद करके मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। मैं आपके लिए पराई हूं, लेकिन ये तो आपकी सगी औलाद है ना, आपके बुढ़ापे का सहारा, इसका एहसास नहीं हुआ आपको? अरे क्या हो गया है तुमको हेमन, होश में तो किस तरह से बात कर रही हो अम्मी से? लाल तुम खामोश रहो, बड़ी इनके सामने कसीदे पढ़ते थे ना, देख लो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे। बहुत हो गया, आप निकले इस घर से और चली जाए अपनी मनहूस बहू के पास। हेमंत तो पागल हो गई हो? हाँ हो गई हूं मैं पागल, मुझे पागल करने की जिम्मेदार क्या औरत है, तुम्हारी मां है। मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या आप। मैं बता रही हूं ये फैसला तुम्हें करना है, या तो इस घर में ये रहेंगी या तुम्हारी बीवी बच्चा। सिर्फ 1 घंटा तुम्हारे पास, जिसे चुनना है चुन लो, लेकिन अगर ये इस घर में रहेंगी तो मैं और मेरा बेटा इस घर से बहुत दूर चले जाएंगे। चुन रहा हूं। हेमन, हेमन, हेमन! हैरत तो मुझे इस बात पर है चचा कि एक मां अपनी औलाद के खून को कैसे माफ कर सकती है।
कि आपने मुझसे मेरी बचत का हक भी छीन लिया है, ये करती है माए? आप उस औरत के साथ मिलके मुझे धोखा देती रही जबकि आप देख रही थी कि मैं आपके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूं, फिर भी मेरी तकलीफों में मजीद इजाफा कर रही थी अम्मी। बड़ी इनके सामने कसीदे पढ़ते थे ना, देख लो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे। बस बहुत हो गया, आप निकले इस घर से और चली जाए अपनी मनहूस बहू के पास। मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है इस घर में, या तो मैं रहूंगी या आप। जरा सोचो, अम्मी सुमन में कहां जाएंगी, उनका मेरे सिवा है कौन? फजूल में अपना वक्त जाया कर रहे हो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ के साथ रहो, मैं जा रही हूं यहां से। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे यहां रहने से मसला है ना, तो ठीक है मैं जा रही हूं ये घर छोड़। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं से मना लूंगा, ये भी कहीं नहीं जाएगी। हरगिज नहीं। अरे तुम चुप रहो ना यार, चुप हो जाओ। बेटा मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से जा रही। हरेमन, तुम मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बताना चाहती हूं कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे मालूम होता कि कसास सिर्फ मुझे मिलेगा तो मैं वही कुछ मांगती जो तुम चाहती हो। अब क्यों बोल रही है ये सब? तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रही कि तुम अपना फैसला बदल लो। बेटा मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि अपनी औलाद की नस्ल मुझे बहुत अजीज है। बस तुम लोग सारी जिंदगी हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हो सके तो मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लेना। अम्मी, 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 अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी अम्मी, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर एमन ने जाना है ना तो भले चली जाए, आप यहीं रहेंगी अम्मी, आप नहीं जाएंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं जो तुम्हारा घर खराब करूं, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एमन जिद की कितनी पक्की है। अरे अम्मी मुझे उसकी परवाह नहीं है, बस मैं आपके पैर पकड़ता हूं। अम्मी आप यहां से नहीं जाएंगी। परवाह करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्चे का होगा, और वो मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारे पैरों में मजबूरी की बेड़ियां बेटा, इनसे निकल नहीं सकोगे तुम। तुम जाओ अपने बीबी बच्चे को संभालो, रही मेरी बात तो मेरा अल्लाह ने के पास जाओ। अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी, अम्मी बच जाए, अम्मी, अम्मी बच जाए, अम्मी।
मतलब ये कि जो तुम्हारे शोहर के खून से अपना नसीब चमकाना चाह रहे थे उनके सारे मंसूबे नाकाम हो गए। कसास में एक फूटी कोड़ी भी नसीब नहीं हुई। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि क्या उन्होंने वासी अहमद को माफ कैसे कर दिया? नहीं, माफ उन्होंने नहीं किया बल्कि तुम्हारी सास ने किया है, और साथ में ये भी बोला है कि अगर मेरी बहू ने कसास तलब नहीं किया तो मैं भी खुदा की रजामंदी से अपने बेटे का खून माफ कर देती हूँ। सच पूछो तो तुम्हें वहां पे मौजूद होना चाहिए था, शक्ल देखने वाली थी दोनों मियां बीवी की। क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे, ये परेशानी कैसी? तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? मुझे सिर्फ अम्मा की फिक्र हो रही है। अब न जाने एमन ने और सजाद भाई ने कितनी बदतमीजी की होगी उनसे, उनको तो ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। You're right. आप यहां इस वक्त? सजाद भाई ने एमन भाभी को कुछ नहीं कहा? वो तो मेरी खातिर उससे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। पर क्यों? क्योंकि मैं उनका घर खराब नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी वो कभी भी तुम्हें अपने घर में रखने के लिए राजी ना होते, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अम्मी ये तुम्हारे फ्लैट के कागजात जो तुमने और हमाद ने मिलकर खरीदा था, रिहाई हो गई तुम्हारी? शुक्रिया सर। चलो जाके उधर साइन कर दो। इनका सामान वगैरह इनको दो, ठीक है? आप तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हम आपको बाहर छुड़वा देंगे।
शुक्रिया सर। आजादी मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी नई जिंदगी और नई शुरुआत। शुक्रिया सर। वासे! इसे मेरी गोद में तो काश मैंने अफशी को अपनी गोद में ना उठाया होता तो आज तो मौत का मंजर चख चुके होते। बहुत बहुत मुबारक हो वासे आजादी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें इस तरह आजाद देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अपने बहनोई से होशियार रहना। दुनिया की हकीकत बताने वाला मुझे वही शख्स है। चलो वासे, अपने घर चलो। तो बाकी कितने दिन हो गए वासे को अपना घर नहीं देखे हुए? भाई इसे भी अपने घर की याद सताती होगी। आओ चलो बस। रुको, तुम हमारे घर हरगिज नहीं आ सकते। क्या क्यों क्या क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा धोखेबाजी का पर्दा पूरी तरह उतर चुका है। वासे क्या कह रहे हो? तुम्हें याद नहीं है तुमने इन्हें माफ कर दिया? गलती हो गई थी मुझसे। कैद खाने में मौत के करीब मुझे लगने लगा कि सब सच बोलते हैं। इसे भी सच्चा समझ बैठा। देखो तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी है, मैं वाकई में अपने किए पर शर्मिंदा हूं। वासे जानना चाहती हैं तो सच सुनिए। कदर को मेरे और दुरिया के रिश्ते के बारे में बताने वाला कोई और नहीं, यही शख्स था।
चलो घर चले। अदीला बात से मुझे माफ कर दो, अदीला इसको समझाओ। वासे इतने थोड़े से दिनों में एक छोटी सी फैमिली बन गई थी हमारी। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा बड़ापन है, वरना तो उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन फैमिली नहीं बनती। मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा कि आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। इतना कुछ जो किया आपने मेरे लिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। बस जा रहो, खुश रहो, और कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े ना घर की शिफ्टिंग वगैरह में तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, घर तो सेट कर लिया। चलो कदर, खुदा हाफिज। नहीं मुझे वेलकम टू होम सर। सर आपकी गैर मौजूदगी में हम सब ने आपको बहुत मिस किया, अल्लाह का शुक्र है आप वापस आ गए। शुक्रिया। तिलक में कोई मत कहो यार, मेरे जैसे इंसान को कोई मिस नहीं करता, सब बदुआएं देते हैं मर जाने की। मिस तो मैंने तुम सबको किया, तुम लोग इस काबिल हो कि तुम लोग को याद किया जाए। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खिदमत में जो बात है, मेरे बेकार के गुस्से में कहा। इतने दिन गुजरने के बाद भी इस घर की एक एक दीवार से शनस आई है मुझे। शेल की उस अंधेरी कोठरी में कई बार ये लम्हा मेरी आंखों के सामने गुजरा। वासे, वो दिन हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, पर अब अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि तुम घर लौट आए हो, और देखना बहुत जल्द तुम इन गुजरे हुए सख्त दिनों को भी भूल जाओगे। सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। नहीं अतुला बाजी, पहले बहुत खराब माहौल था, पहले जैसा कुछ नहीं होगा। अब सब अब के जैसा होगा। अच्छा अब अंदर चलें, ये यहीं खड़े रहने का प्लान है। हाँ चलो अंदर चलते हैं। वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे वापस आने की खुशी में दुरिया ने हर चीज अपने हाथ से बनाई है, और हर चीज तुम्हारी पसंद की भी है। अच्छा चलो तुम लोग अपना अपना काम करो, और अक्रम जल्दी से लंच लगा दो। यस मैम। चलो पता, जिंदगी में पहली दफा ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा काम किया जिस पे मर्द को फखर हो। अब वो अलग बात है कि पैसे तुम्हारे थे, लेकिन तुम्हारे लिए छत का बंदोबस्त कर दिया।
मेरा क्या है? मेरे लिए तो मेरी सारी कायनात आप ही हैं। मैं आज भी तुम्हारे साथ, और अगर तुम चाहती हो तो हम खुद यहां रह सकते हैं बहुत जल्द। हम उसी घर में रहेंगे अम्मी के साथ। जैसे आपका होगा। ठीक है। हमाद, रास्ता दिखा दे या खुदा।